भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 मई को चंबा में चुनावी जनसभा करेंगे। इस दौरान भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी वहां पर मौजूद रहेगा। भाजपा के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा, यह जनसभा ऐतिहासिक होगी, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कपूर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की ओछी राजनीति सहन नहीं की जाएगी। चुनाव में भाजपा को मिल रहे जनवरी समर्थन के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है और इसी बौखलाहट में कांग्रेस के नेता गलत बयानबाजी पर भी उतारू हैं। यह उद्गार कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय सीट के प्रत्याशी किशन कपूर ने पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। किशन कपूर ने कहा, भाजपा का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर नरेंद्र मोदी धर्मशाला आए थे। भाजपा के ऐसे दिग्गज नेताओं का हिमाचल में आकर जनसभाएं करने से कांग्रेस के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कपूर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को ऊपरी हिमाचल व निचले हिमाचल में बांटा और अब उनका कोई भी हथकंडा काम नहीं कर रहा है तो वह अब प्रदेश को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। किशन कपूर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह को सलाह देते हुए कहा कि इस उम्र में इस तरह की घटिया राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व्यक्तिगत आरोप लगाने पर लगे हुए हैं तथा घटिया स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। किशन कपूर ने कहा कि वीरभद्र सिंह भले ही हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वीरभद्र सिंह किसी मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह अपना शासन करते रहे। इसी वजह से अपनी तनाशाही के चलते जो कांग्रेस पार्टी में ईमानदार लोग थे, वे आज कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। कपूर ने कहा कि वीरभद्र सिंह को अपनी लोकप्रियता पर काफी घमंड है, जिसके चलते वे सुखराम से पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही क्षेत्रवाद की राजनीति की है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं, जो असहनीय है।